वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। YouTube में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने परिवार सी सेट प्रिपरेशन पर। आज की इस क्लास में हम लोग UPPCS सी सेट में आए हुए मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को हल करेंगे। ये एक तरीके से प्रैक्टिस सेट है, आप देखिए कि आपके कितने क्वेश्चंस बन पा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन बनेंगे अंत में आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप UPPCS के अतिरिक्त BPSC UKPSC RO SSC पुलिस किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये क्लास आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्लास एकदम धमाकेदार होने वाली है, आपको कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए ज़रूर मिलेगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्लास की ओर। देखिए, अगर आप हमारी टीम के पैड ग्रुप को परचेस करना चाहते हैं तो ये टीम का नंबर दिया गया, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम पर @studyforcivilservices सर्च करके ज़रूर फॉलो कीजिएगा, क्योंकि जितने भी नोटिफिकेशन जितने भी अपडेट्स हैं सब आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से भी संपर्क कर सकते हैं और प्ले स्टोर से हमारा एप्लीकेशन Study for Civil Services ज़रूर इंस्टॉल कीजिएगा। अब आते हैं प्रश्नों के और। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न आपके सामने क्या दिया है, देखिए ये थोड़ा सा ऊपर हो गया, रुके थोड़ा सा और नीचे करते हैं, इसको सेट करते हैं। चलिए यहाँ पे दिया है चार पुरुष ABCD और चार महिलाएं WXYZ एक मेज पर के चारों ओर एक दूसरे की तरफ मुंह किए बैठे हैं। यदि अब यहाँ पे कुछ कंडीशन दिया है ना, और इस कंडीशन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब देखिए चार पुरुष है और चार महिलाएं, टोटल कितने लोग हैं, आठ लोग हैं। ये क्वेश्चन का इंग्लिश वर्जन है, आपको देखना है तो देखिए। अब यहाँ पे मैं दो पॉसिबिलिटी लेके चलता हूँ, देखिए यहाँ पे चार लोग हो गए, ये आठ लोग हो गए, ठीक, और यहाँ पर भी चार लोग हो गए और ये आठ लोग हो गए। अब देखिए जब भी पजल के क्वेश्चन मिलेंगे आप पॉसिबिलिटी को लेकर चलेंगे तो आपके क्वेश्चन थोड़े जल्दी बनेंगे और साथ में गलती के चांसेस नहीं रहेंगे। देखिए कोई भी दो पुरुष या दो महिला साथ साथ नहीं बैठने, ठीक है, कोई दो पुरुष या दो महिला को साथ साथ नहीं बैठाना है। डब्ल्यू बी की दाहिनी तरफ बैठी, अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वाई और एक्स मतलब एक्स वाई के सामने बैठा है, देखिए ये जो वाई है ना एक्स के सामने बैठा है, तो चलिए देखिए ये वाई हो गया और ये X हो गया, ठीक, यहाँ पे Y और यहाँ पे X, देखिए आमने सामने बैठ गए, है ना। अब ये दोनों महिलाएं, ठीक है, महिलाओं के लिए मैं सर्कल का यूज कर रहा हूँ, ठीक है, महिलाएं हो गई। अब देखिए आगे क्या पूछा जाए, देखिए अब यहाँ से ना आप एक क्ल्यू पकड़ सकते हैं। देखिए चार महिला है ना, दो महिला बैठ चुकी। अब देखिए अगर आप किसी भी महिला को ना चाहे यहाँ बैठाइए चाहे यहाँ बैठाइए, ये पास पास हो जाएगा, जबकि उसने क्या बोल रखा है कि महिलाएं पास पास नहीं होनी है ना। तो यहाँ पे ना देखिए दो महिला बची है, एक आपकी बची है W और एक बची है Z। हमने एक बार W को यहाँ रखा और जेड को यहाँ रखा, अब दोबारा हम क्या करेंगे, हम जेड को यहाँ रख लेते हैं और डब्ल्यू को यहाँ रख लेते हैं। देखिए हमने चारों महिलाओं को सेट कर दिया, चारों महिलाएं बैठ चुकी हैं, देखिए पहला वाला क्ल्यू खत्म हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, जो वाई, देखिए यहाँ पे वाई के सामने मतलब एक्स बैठा है और एक्स जो है ना ए के बाईं ओर बैठा है, ठीक, तो देखिए वाई जो है ए के बाईं ओर बैठा है ना, तो यहाँ पे देखते देखिए ये ए रहा, ए के बाईं ओर कौन हो गया, वाई हो गया, ठीक है। देखिए ए ये रहा, रुके मैं कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा अलग दिखे। देखिए ये ए है, ए की बाईं ओर वाई है, ठीक, देखिए अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी ये ए है, ए के बाईं ओर वाई है, इस भी लाइन का मतलब खत्म हो चुका है ना। देखिए डब्ल्यू बी के दाहिनी तरफ बैठी, अब जो डब्ल्यू है ना डब्ल्यू बी के दाहिनी तरफ है, देखिए यहाँ पर बी को अगर बनाएंगे तो बी के राइट साइड में डब्ल्यू मिल रहा है, ठीक। अब देखिए यहाँ पर आप कहीं भी बी बनाइए, देखिए अगर आप इधर बनाएंगे तो ये राइट साइड होगा, बाकी इधर बनाने से लेफ्ट हो जाएगा, तो ये पॉसिबिलिटी कैंसिल हो गई। अब आगे क्या पूछा है, देखिए सी जेड के दाहिनी तरफ बैठा है, जो सी है ना, देखिए जेड रहा, जेड के दाहिनी तरफ सी यहाँ पर हो गया, बचा हुआ है डी, डी यहाँ पर हो गया, हमने सबको सेट कर लिया। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, देखिए ये इस सीट पे ना जो आठ लोग थे आठ सीट पर बैठाया जा चुका है। अब यहाँ पर देखिए कोई भी मेल फीमेल आमने सामने मतलब एक दूसरे के अगल बगल नहीं, दो लगातार नहीं है, है ना। अब क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि वे दो कौन है जो डी के दोनों ओर बैठे, तो डी के दोनों ओर कौन बैठा, देखिए डी के दोनों ओर एक डब्ल्यू बैठा है एक वाई बैठा है, तो डब्ल्यू और वाई जो ऑप्शन होगा वही सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, डब्ल्यू और वाई। ये क्वेश्चन मैंने आपको समझाने के लिए ऐसा किया, बाकी इसको डायरेक्ट आप करते तो मुश्किल से एक मिनट के आसपास लगता, उससे भी कम समय में ये क्वेश्चन आपका बन जाता। चलिए अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या दिया, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर ऐसा है कुछ, किसी निश्चित कूट में 1, 5, 7, 8, 9 को ये लिखा जाता है, 2, 3, 4, 6 को ये लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में 2, 3, 5, 4, 9 को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन मिलते हैं जो रैंडम कोड पर होता है, मतलब कुछ स्पेशल नहीं दिख रहा होता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट लेटर्स और अंकों का कोड एक दूसरे के बराबर हो जाए, जैसे देखिए 1, 5, 7, 8, 9 ऐसे लिखा है ना, और इसका कोड क्या दिया, इसका कोड दिया XTZAL, ये दिया है, और आगे देखिए 2, 3, 4 और 6 ये लिखा है, और इसका कोड क्या है, NPT
SU। अब आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कि 2 3 5 4 9 इसका कोड क्या हो गया। देखिए यहाँ से 2 का कोड देखो, 2 का कोड हो गया N, है ना। इसके बाद 3 के कोड की बात करेंगे P, अब फिर 5 के कोड की बात करेंगे तो T, 4 को आप ढूंढेंगे तो 4 का S हो जाएगा और 9 को ढूंढेंगे तो 9 का L हो जाएगा। NPTSL, ये ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा। ये जब कभी भी रैंडम चीज़ें मिलती है तो इस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, बाकी कुछ स्पेशल वर्ड्स रहेगा, स्पेशल लॉजिक रहेगा तो उस लॉजिक को अप्लाई किया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। यहाँ पर देखिए क्या दिया है, यदि ए बी की बहन है, देखिए ए जो है बहन है बी की, ठीक बना लिया गया। सी जो है बी की माँ है, सी जो है बी की माँ है, और डी जो है सी का पिता है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है डी जो है डी, ये डी है सी का पिता है, यहाँ तक बन गया। ई जो है ई डी की माँ है, तो यहाँ पे ई जो है ई डी की माँ है, ये हो गए, है ना। तो ए डी का, ए का डी से क्या संबंध है, कि ए ये रहा डी ये रहा, है ना। भले इतना घुमाया गया लेकिन ये रिलेशन एकदम साफ साफ दिख रहा है। देखिए ये डी की बेटी और इस बेटी की मतलब यहाँ पे बेटी है ये, तो यहाँ पे पोती का रिलेशन हो जाएगा। तो जो ए है ए डी की क्या है, ग्रैंड डॉटर है, ऑप्शन नंबर बी, और यहाँ पे देखेंगे तो पोती ऑप्शन नंबर बी। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने ये दिया है कि यदि आप 1 से 100 तक की सभी संख्याएं लिखते हैं तो 3 आप कितनी बार लिखेंगे। देखिए ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता चुका हूँ, अभी भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन बने कि आप 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं और आप अंकों को कितनी बार लिखेंगे, देखिए 3 की बात करेंगे ना तो 3 कहाँ कहाँ आएगा, देखिए 3 13 23 33, इसके बाद 43 53 63 83 और 93। देखिए 3 आपने यहाँ लिखा, इसके बाद 3 वाली सीरीज, देखिए 30 31 32, अब 33 हो चुका है, 34 35 36 37 38 39। आप 3 इतनी बार लिखेंगे, काउंट कर ली, देखे 1 2 3, यहाँ पे 2 बार आएगा, है ना, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 और 2 20, है ना। अब 20 बार लिखेंगे, ठीक। देख यहाँ पे फिर से समझ लीजिए, देखिए 3 13 23 33 ऐसे इस वाले सीरीज में आप लिखेंगे तो कितनी बार लिखेंगे, इस वाले सीरीज में जो डबल होना है अगर उसको छोड़ देंगे तो देखिए 3 3 6 3 9 बार हो गया, और डबल जहाँ पे हो वहाँ पे 2 बार, 9 2 11, और फिर इस सीरीज में देखिए 3 11 3 14 3 17 और 3 20। तो इस चीज़ को आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं, ये 20 बार आएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर, ठीक है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे ये मतलब ये एक तरीके से पजल का क्वेश्चन है ना, एक छोटा सा पजल है ऑर्डर रैंकिंग का। यहाँ पे दिया है रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, देखिए जो रमा है ये बड़ी है सोनम से, ठीक। पूनम रमा से बड़ी है, जो पूनम है ये रमा से बड़ी है, ठीक। सोनम पूनम से बड़ी है, जो सोनम है ना, देखिए रमा सोनम से उम्र में बड़ी है, ठीक है, जो रमा है ये सोनम से बड़ी है, है ना। यहाँ पे जो पूनम है ये रमा से उम्र में बड़ी है, सोनम पूनम से बड़ी है। यदि पहले दोनों कथन सत्य है तो तीसरा कथन, अच्छा ये क्वेश्चन बोला है, देखो मतलब जो शुरू के 2 है ना, 2 स्टेटमेंट यहाँ पे क्या एकदम सही है, ठीक है एकदम सही है, तो तीसरा कथन क्या होगा, तीसरा गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा, देखिए अगर आप इन दोनों को सही मान लेंगे, ये पॉसिबिलिटी दिया कि नहीं आपको इसे सही ही मानना है ना, ऐसा बोला जा रहा है, अगर आप इसको सही मान के चलेंगे तो देखिए होने वाला क्या है, ये सही हो जाएगा। फिर यहाँ पे ना बोला जा रहा है कि सोनम पूनम से बड़ी है, जबकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि सोनम पूनम से छोटी, तो तीसरा हमेशा गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा। चल आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया गया, देखिए इस पे 2 क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 60 और एक क्वेश्चन नंबर 61, हम लोग दोनों कर लेते हैं। देखिए ये एक तरीके से सीरीज का क्वेश्चन है, देखिए कैसे सीरीज को कंप्लीट करेंगे, 3 2 6 8, ठीक है, इसमें आप ध्यान लगाइए, देखिए 3 2 6 6 3 18, ठीक है। अब आगे देखिए 4 2 8, ठीक है, 8 5 40, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि आगे बढ़ रहे हैं ना, तो अल्टरनेट पे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, देखिए 3 2 6 6 3 18 18 4 72, तो 72 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न पर देखिए, एक दुकानदार किसी वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, वह अंकित मूल्य पर कुछ छूट देता है और 8% लाभ कमाता है, छूट की दर बतानी। देखिए मान लो यहाँ पे देखिए वस्तु का CP या कॉस्ट प्राइस 100 रुपये, ठीक, आदमी क्या कर रहा है 20% एक्स्ट्रा अंकित कर रहा है, तो जो मार्क प्राइस हो जाएगा अंकित मूल्य 120 रुपये हो जाएगा। अब कुछ डिस्काउंट देता है, हमें नहीं पता है कितना डिस्काउंट देता है, और बेचने के बाद ना 8% लाभ होता है, मतलब 100 रुपये का सामान उसने कितने रुपए में बेच दिया, उसने बेच दिया 108 रुपये में। अब इधर देखो डिस्काउंट कितने का दिया है, 12 रुपये का डिस्काउंट दिया है ना, कितने रुपए पर, 120 रुपये पर डिस्काउंट दिया, परसेंट निकालने के लिए देखिए आप ऐसे भी देख लीजिए, ये कट जाएगा तो आंसर 1/10 आ जाएगा,
एक बटे दस की परसेंटेज फ्रैक्शन वैल्यू होती है 10%, तो उसने कितना डिस्काउंट दिया था, 10% डिस्काउंट दिया, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। परसेंटेज की क्लास आज से स्टार्ट होगी, तो उसमें आप ये सब कॉन्सेप्ट एकदम बेहतरीन तरीके से सीख सकते हैं, ठीक है। परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, इन सब चीज़ों में ये सब चीज़ें आएंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड यहाँ पे क्या दिया है, अगले स्लाइड पे इन्फॉर्मेशन दिया है। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है कि यदि, देखिए प्लस, ठीक है, प्लस का मीन्स क्या, यदि प्लस, देखिए प्लस का अर्थ यहाँ पे ये भाग होगा, भले ही प्लस के जैसा दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, देखिए जो प्लस है, प्लस का अर्थ है भाग, है ना, प्लस का मतलब है भाग, और माइनस का अर्थ है गुणा, जो माइनस है ना, माइनस का अर्थ है गुणा, ठीक। ये दो चीज़ क्लियर हो गया। अब इसके बाद बोला जा रहा है जो गुणा है, गुणा का अर्थ है प्लस होना, गुणा का अर्थ है प्लस, और भाग का अर्थ है माइनस, है ना, जो भाग दिया है भाग का अर्थ है माइनस। तो ये चार चीज़ों का मतलब आपको दे रखा है। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछेगा और उस क्वेश्चन के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। तो आपके सामने एक क्वेश्चन दिया है ना, ये क्वेश्चन दिया है कि इसकी वैल्यू आप फाइंड आउट करें। देखिए छ यहाँ पर क्या दे रखा है, यहाँ पर दे रखा है भाग, तो भाग का मतलब क्या है, माइनस है, तो हम लगाएंगे माइनस, है ना। फिर दस, दस लगा लिया गया, प्लस, देखिए यहाँ पे माइनस, माइनस का मतलब है गुणा, तो हमने गुणा का साइन लगा दिया, है ना। फिर यहाँ पे गुणा, गुणा का मतलब है प्लस, तो प्लस, यहाँ पे माइनस के बाद नंबर डिजिट लिखेंगे, रुकिए यहाँ पे डिजिट लिखेंगे चार, गुणा चार, ठीक है। और गुणा का मतलब हो जाएगा प्लस 12, और प्लस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे भाग, भाग 6। अब इसको कैलकुलेट करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये भागु जोग के पैटर्न पे बन चुका है, जो भागु जोग का नियम होता है वैसे करना है। देखिए 12 में 6 से भाग देंगे तो आपको 2 मिलेगा, देखिए 6 माइनस 10 गुणे 4 और प्लस 2, इतना हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पे इसको और आगे बढ़ाते हैं, और आगे बढ़ाने पे क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 10 चौका 40, है ना, 10 चौका 40 हो जाएगा। ये माइनस का साइन लगा तो आप लिखेंगे माइनस 40, तो यहाँ पे 6 माइनस 40 और प्लस में 2, ठीक। देखिए ये 6 और 2 प्लस में, तो आप लिख लेंगे प्लस 8 और माइनस 40, है ना। 8 में से 40 को घटाएंगे 32 मिलेगा, लेकिन यहाँ पे साइन किसका बड़ा है, माइनस का साइन बड़ा है, तो माइनस 32 ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है प्रश्न। देखिए ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए यहाँ पे स्टार बना हुआ है, आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए 7 से क्या बना है, 18 बना है ना, 18 से क्या बना है, 40 बना है, 40 से क्वेश्चन मार्क हमें नहीं पता है ना। फिर क्वेश्चन मार्क से आगे आप ऐसे साइकिल को बढ़ाएंगे और फिर इस साइकिल को आगे बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं, देखिए 7 से 18 बनाना है, 7 त्रिक 21 है ना, और माइनस 3, फिर 18 त्रिक 54 ज़्यादा हो जाएगा, ठीक। देखिए 7 दूना 14, 4 18, ठीक है, 14 18 दूना 36। देखिए यहाँ पे ये मेथड काम कर रहा है, देखिए गुड़े 2 प्लस 4, 7 दूना 14, 4 18, ठीक, गुड़े 2 प्लस 4, 18 दूना 36, 36 और 4 40, ठीक है। देखिए 40 गुड़े 2, 40 दूना 80 और प्लस 4, 80 और 4 84, तो 84 यहाँ पे ऑप्शन फिल करेंगे तो 84 तो मिल रहा है ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी आगे भी चेक कर लेते हैं कि ये सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है, ठीक। तो 84 गुड़े 2, 84 गुड़े 2 जब करेंगे तो 84 दूना 168 होता है ना, 168 में 4 जोड़ेंगे तो 172, ऑप्शन नंबर, देखिए यहाँ पे ये भी सही है ना। तो ऑप्शन मतलब आपका जो बी है, बी बिल्कुल सही है, ठीक है। आगे भी आप देख लेंगे, देखिए 2 दूना 4 और प्लस 4, यूनिट डिजिट 8 दिख रहा है, तो बाकी हम यूनिट डिजिट के साथ क्लियर कर लेते हैं कि इतना आएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर, देखते हैं आगे की स्लाइड पर क्या क्वेश्चन है। देखिए अभी देखिए यहाँ पे ये रहा, ठीक, कहाँ चला गया, ये है, ठीक। ये देखिए ये बोर्ड सही से काम नहीं कर रहा अभी। देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन दिया है ना, क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, किसी परीक्षा में उत्तीर्ण लोगों में स्मिता का ऊपर से स्थान 16वां है और नीचे से 29वां है। 6 छात्रों ने परीक्षा छोड़ दी और 5 उसमें अनुत्तीर्ण रहे, तो कक्षा में कुल कितने छात्र थे। देखिए यहाँ पे आप इसको फार्मूले से भी लगा सकते हैं, बेसिक से भी लगा सकते हैं। देखिए स्मिता है ना, ये 16वें पोजिशन पर है। आप समझिए 16वें पोजिशन पर मतलब 15 लोग स्मिता से ऊपर रहे होंगे, है ना, 15 लोग ऊपर रहे होंगे, है ना, और ये एक स्मिता खुद है ना। इसके बाद नीचे से आप देखेंगे तो 29वां पोजीशन है, मतलब जैसे नीचे 28 लोग रहे होंगे, है ना, तो 28 ये, 15 ये, एक स्मिता, 16 और 28 ये, है ना, 16 और 28 को जोड़ेंगे तो 38, 6 44 हो गया, है ना, 44 हो गया। इसके बाद देखो 6 लोगों ने परीक्षा छोड़ा था और 5 लोग फेल हो गए थे, तो यहाँ पे आप इसको ऐड करेंगे 55, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन को एक बार फिर से समझिए। देखिए जैसे अगर आप बोल रहे हो ना कि मैं ऊपर से चौथा हूँ, ठीक है, आप ऊपर से चौथे मतलब 1 2 3, है ना, चौथे पर आप लोग आप हैं, ठीक है, तो 3 लोग तो आपसे ऊपर है ना। तो इसी तरीके से देखिए ऊपर से 16वें नंबर पे थी, मतलब 15 लोग इससे ऊपर थे, और नीचे से 29वीं थी, मतलब 28 इसके नीचे थे, तो ठीक है, तो ये इतने लोग हो गए और एक स्मिता खुद हो गई, तो इतने तो अभी एग्जाम में उपस्थित हुए हैं ना, मतलब जो पास हैं, बाकी ये फेल वाले हो गए और जो मतलब भाग ही नहीं लिए थे वो भी आ गए, है ना।
अब देखो इसको ना आप फार्मूले के साथ भी निकाल सकते हैं। फार्मूले देखो, फार्मूला क्या कहता है, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस वन। तो टोटल बराबर लेफ्ट से 16 राइट से 29 माइनस एक करेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा टोटल बराबर 44, है ना। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। आप देखो छह लोग क्या हो गए, पेपर छोड़ दिए, तो 44 से 50 हो जाएगा, और पांच लोग फेल हो गए, 50 और 5 55। तो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर होगा 55। आप चाहे जिस मेथड से हल कीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या ठीक है 43, मतलब ये इसमें 43 है, बाकी प्रश्न संख्या पता नहीं क्या है ना। अभी हम लोग स्लाइड को सेट करते हुए चेक करेंगे तो पता चलेगा, बाकी आपको क्वेश्चन देखना। देखिए क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, रवि ने पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया। देखो जब कभी भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले, आप प्लेन पर जब भी डायरेक्शन बनाएंगे तो आपका नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, यहाँ पर ईस्ट है और यहाँ पर वेस्ट है। देखिए रवि पूर्व की ओर चलना प्रारंभ किया, ठीक है भैया रवि यहाँ पर था, ये चलना प्रारंभ किया पूर्व की ओर 1 किमी चलने के बाद। देखो 1 किमी चला, चलने के बाद वो दक्षिण की ओर मुड़ गया, है ना, और 5 किमी चलता है, ठीक है, दक्षिण मुड़कर 5 किमी चलता है, पुनः पूरब की तरफ मुड़ता है। देखिए पूरब की तरफ मुड़ा मतलब इधर आ गया, और इधर आकर के वो 2 किमी चलता है, ठीक, और अंतिम बार वो उत्तर की ओर मुड़ता है, ठीक है, नॉर्थ मुड़ा लीजिए, मुड़ गया और 9 किमी चलता है, ठीक है, 9 किमी चलता है अपनी प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर। देखिए प्रारंभिक बिंदु उसका ये था, ठीक, अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे, देखिए यहाँ पे ये देखिए, आप इसको ऐसे आगे बढ़ा लीजिएगा, ये देखिए ये रहा इसकी दूरी, प्रारंभिक और अंतिम के बीच का डिस्टेंस है, ठीक, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अगर इस पूरे को आप देखेंगे, ये पूरा वाला, मैं कलर चेंज करता हूँ ताकि आप अच्छे से देख पाए, रुके चलिए, देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो ये पूरा 1 और 2 को शामिल करते हुए पूरा कितना बन जाएगा, 3 बन गया, है ना। अब ये ऊपर वाले लाइन को देखिएगा, देखिए ये टोटल कितना था, देखिए यहाँ नीचे 5 है ना, 5 के बाद 9 ऊपर गया है ना, तो 5 आएगा तो इसको कवर कर लेगा, बाकी बचा हुआ ये वाला लाइन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो 3 और 4 पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, 3 3 9 4 4 16 16 9 25 ऑप्शन आ जाएगा 5, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो जाएगा 5 किमी, मतलब अपने प्रारंभिक बिंदु से 5 किमी की दूरी पर है। चलिए फिर से आ जाते अपने पुराने कलर के पेन पर। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, है ना, अगला प्रश्न क्या है, देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा रेखाचित्र शरीर में कान और मुंह के मतलब सही संबंध को व्यक्त करता है। देखिए आप इसमें सही रिलेशन देखना, देखिए आपका शरीर हो जाएगा, है ना, कान भी आपके शरीर का हिस्सा है और मुंह भी आपके शरीर का हिस्सा है, लेकिन दोनों अलग अलग है, कान और मुंह का कोई रिलेशन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, सी वाला जो इसको सही रिलेट कर रहा है, ठीक। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर, अगला प्रश्न है ना, अगला प्रश्न यहाँ पर क्या दिया, देखिए यहाँ पर दिया है 4 पुरुष ABCD और 4 महिला। अच्छा ये क्वेश्चन अभी हम लोगों ने सामने कर रखा है, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, देखिए एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं, देखिए जिसको नहीं समझ में आओगा, देखिए टोटल 8 लोगों को बैठाना है ना, ये देखिए 4 लोग हो गए और 8 लोग हो गए, है ना, वापस से 4 लोग हो गए और 8 लोग हो गए। देखिए पीछे क्या किया गया था, अब ये बोला जा रहा है ना कि मतलब कोई भी 2 पुरुष और महिला साथ साथ नहीं बैठेंगे, ठीक है, WB के दाहिने की तरफ बैठी हमें नहीं पता चल रहा है ना, Y X के सामने है और A के बाईं ओर है। देखो Y जो हो जाएगा ये X के सामने हो जाएगा, Y जो हो जाएगा ये X के सामने हो जाएगा, ठीक। महिलाओं को मैं सर्कल में डाल देता हूँ ताकि पता चलता रहे कि ये महिला है ना, ठीक। अब इसके बाद देखो, अब यहाँ पे जब 2 महिलाओं को आपने क्लियर कर दिया और बाकी महिलाएं आसपास नहीं बैठनी, अगर यहाँ पे महिला बैठेगी तो इसके बगल में हो जाएगी, यहाँ पे बैठेगी तो इसके बगल में हो जाएगी, ऐसे इसके बगल में हो जाएगी, तो 2 महिला बची, एक W यहाँ पर हो गई और Z यहाँ पर हो गई। इसी तरीके से देखिए अभी एक पॉसिबिलिटी और है, कोई बोलेगा भाई आप W को काहे यहाँ रख रहे हो, चलो हम Z को यहाँ रख लेते हैं और W को यहाँ रख लेते हैं, ठीक। तो देखिए ये वाला जो लाइन बोला था ना, ये वाला लाइन, ये पहला लाइन क्लियर हो गया है ना, इसके बाद ये लाइन भी क्लियर हो गया। अब देखिए W क्या, देखिए यहाँ पे अभी इसमें एक डेटा बचा है, जो Y है ना A के बाईं तरफ है, ठीक। तो देखिए ये A के बाईं तरफ Y हो गया, ठीक है, A मेल है तो मैं मेल को अलग कलर से दिखाता हूँ, है ना, देखिए ये A के बाईं तरफ Y हो गया, है ना, ऐसे यहाँ पर देखेंगे तो A के बाईं तरफ Y हो गया, ठीक, ये बन गया, है ना, ये 2 लाइन आपका क्लियर हो चुका है। आगे बोला जा रहा है कि WB के दाहिने तरफ है, मतलब जो W है ना B के दाहिने तरफ है, तो B यहाँ पर आ गया, है ना। इसमें देखिए इसमें ना आप B को रख ही नहीं पाएंगे तो ये गलत हो जाएगा, है ना। अब आगे क्या बोला जा रहा है, C Z के दाहिने तरफ है, जो C है ना ये Z के दाहिने तरफ है, तो Z डेरा C यहाँ पर हो जाएगा, अब बचा हुआ D आपका यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन पूछा है कि
डी के दोनों ओर कौन बैठा, देखिए एक ओर डब्ल्यू है दूसरे ओर वाई है, तो डब्ल्यू और वाई ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होगा। ये पिछली बार भी हम लोगों ने किया था तो यही आंसर बना था। तो देखिए ये हम लोगों की क्लास रही जहाँ पे हम लोगों ने सी सेट में मतलब पीसीएस के सी सेट के मैथ्स और रीजनिंग के प्रश्नों को हल किया। तो इस प्रकार के क्लास को कंप्लीट पढ़ने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज एप्लीकेशन इंस्टॉल कीजिए, वहाँ पर उसका बैच चल रहा है, बैच को परसेस कीजिए, अपने तैयारी को एक कदम आगे बढ़ाइए और सेलेक्शन लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।